क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी, पाकिस्तान के मिसबाउल हक, इंडिया के केदार जाधव में और सूर्य कुमार यादव में एक समानता है? जी हाँ, ये सभी सफल क्रिकेटर रहे हैं और सभी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, मगर खास बात यह है कि इन सभी का इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी देरी से डेब्यू हुआ था। माइक हसी ने 29 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना डेब्यू किया, मिसबा ने 27 साल की उम्र में और केदार जाधव ने 29 साल की उम्र में डेब्यू किया था। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मिस्टर 360 के नाम से मशहूर हो चुके सूर्य कुमार यादव ने 31 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया। इतने लंबे इंतजार के बाद सूर्य ने जो करिश्मा अपनी बैटिंग और क्रिकेटिंग स्किल से दिखाया है, वो आज क्रिकेट के गलियारों की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक है। आज के इस वीडियो में सूर्य कुमार यादव और स्काई के संघर्ष और सफलता की वो कहानी जो किसी भी क्रिकेटर के लिए काफी इंस्पिरेशनल है। सूर्य कुमार यादव की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये कहानी है टीम इंडिया की जर्सी तक पहुंचने के लिए किए गए उन अनगिनत प्रयासों की जो सूर्य और उनके परिवार ने बीते 20 सालों में किए हैं। सूर्य की टीम इंडिया के लिए खेलने की इच्छा और उसके पीछे बेजोड़ मेहनत ने उन्हें 31 साल की उम्र में इंडिया डेब्यू करवाया। जो सपना 10 साल के सूर्य ने मुंबई के चेंबूर में देखा, उसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ग्राउंड पर गढ़ा और वो आगे चलकर क्रिकेट की नर्सरी मुंबई मैदान पर दृढ़ हुआ और फिर आईपीएल के रास्ते टीम इंडिया तक साकार हुआ। सूर्य के पिता अशोक यादव भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थे और पिता ने बेटे को क्रिकेट का ये सपना साकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद मुंबई लोकल ट्रेन पकड़कर दफ्तर पहुंचते थे और अपनी मोपेड पर बेटे को ग्राउंड तक छुड़वाते थे, मगर वो ये भी सुनिश्चित करते थे कि सूर्य अपना किट बैग खुद उठाए। सूर्य के लोकल कोच अशोक असवलकर कहते हैं कि 12-13 साल के सूर्य इस क्लैरिटी के साथ उनके पास पहुंचे कि उन्हें बड़ा क्रिकेटर बनना है। उस उम्र में भी सूर्य में 65 से 70 मीटर का छक्का मारने की काबिलियत थी, टैलेंट भरपूर था, बस गाइडेंस की जरूरत थी। 14 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे सूर्या का बचपन मुंबई में बीता। चाचा विनोद कुमार यादव सूर्या के पहले क्रिकेट कोच बने और फिर जब पिता की नौकरी मुंबई में बतौर इंजीनियर लगी तो सूर्या का पूरा परिवार इस सपनों के शहर में शिफ्ट हो गया। सूर्या भी अपने क्रिकेटर बनने के सपने को लेकर मुंबई पहुंचे। शुरुआती क्रिकेट की बात करें तो सूर्या ने भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर की क्रिकेट एकेडमी ईएलएफ वेंगसरकर एकेडमी से क्रिकेट की बारीकियां सीखी। करीब 8 साल की मेहनत और टफ क्रिकेट के बाद राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक फेंकने वाले सूर्या को मुंबई टीम में शामिल कर लिया गया। साल 2010 का था जब ये क्रिकेटर मुंबई के लिए लिस्ट ए टीम का हिस्सा बना और फिर इसी साल सूर्या ने मुंबई की रणजी टीम के लिए खेलते हुए गुजरात के खिलाफ अपना रणजी डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में ही सूर्या ने 73 रनों की पारी खेल दी। फिर अगले ही सीजन बड़े मंच पर बड़ी परफॉर्मेंस देने की भूख पाले सूर्या ने सीजन के 9 मैचों में 754 रन मार दिए। इसमें तीसरे मैच में उड़ीसा के खिलाफ डबल सेंचुरी और चौथे में सेंचुरी शामिल थी। उसी साल दिलीप ट्रॉफी में भी सूर्या ने सेंचुरी मारकर धमाल मचा दिया। 2012-13 सीजन में भी सूर्या ने रनों की बौछार की और वे मुंबई के टॉप 3 रन गेटर्स की सूची में शामिल रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद आईपीएल ने सूर्या को हाथों हाथ लिया। आईपीएल 2012 में मुंबई इंडियंस ने सूर्या को साइन कर लिया, मगर सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और किरण पोलार्ड जैसे सीनियर प्लेयर्स के रहते सूर्या को पूरे सीजन खेलने का मौका नहीं मिला। अगले सीजन मुंबई ने सूर्या को ड्रॉप कर दिया। फिर 2014 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सूर्या को 70 लाख की फीस देकर अपनी टीम में शामिल किया। सूर्या को बतौर फिनिशर टीम में तैयार किया गया। 2015 में सूर्या केकेआर की टाइटल विनिंग टीम का हिस्सा रहे। इस सीजन में उनकी मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 गेंदों पर 46 रनों की पारी ने सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद सूर्या को केकेआर की टीम की उपकप्तानी सौंप दी गई। सूर्या की कीमत जान चुकी मुंबई इंडियंस ने 2018 मेगा ऑक्शन में इस खिलाड़ी को वापस 3.2 करोड़ में खरीद लिया। अब तक क्रिकेट स्किल में महारत हासिल कर चुके सूर्या का समय बदल चुका था। 2018, 19 और 20 के आईपीएल सीजन में सूर्या के बल्ले से क्रमशः 512, 424 और 480 रन निकले। खुद को टी20 क्रिकेट में रमा चुके सूर्या ने 2019 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 168 के स्ट्राइक रेट से 392 रन बनाए और विजय हजारे ट्रॉफी में भी सूर्या के बल्ले से 113 के औसत से रन निकले। अपनी आईपीएल सक्सेस को एक नए मुकाम पर ले जाने वाले सूर्या ने 2023 आईपीएल में 605 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसमें एक सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी शामिल थी। सूर्या ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 139 मैच खेले हैं, जिसमें 143.32 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 3,249 रन बनाया है। सूर्या ने आईपीएल में 1 सेंचुरी और 21 हाफ सेंचुरी मारी है। आईपीएल में वो प्रदर्शन जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो चुका था, सूर्या को इंटरनेशनल डेब्यू की दहलीज पर ले आया। डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू करने के 11 साल बाद सूर्या को इंडिया कैप मिली। मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में सूर्या का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। पहले मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, मगर जब मिला तो 31 गेंदों पर 57 रन की पारी खेलकर सूर्या ने अपने इरादे जाहिर कर दिए।
उसी साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ सूर्या का एक दिवसीय क्रिकेट स्टेज पर पदार्पण हुआ। अगले ही साल यानी 2022 में सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड क्रिकेट में छा गए। एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हुए सूर्या ने एक सीजन में 1164 रन ठोक दिए। अक्टूबर 2022 में सूर्या T20 क्रिकेट में नंबर एक बैट्समैन बनने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। 33 साल के सूर्या अभी तक 53 T20 इंटरनेशनल, 31 वनडे और एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं। खास बात यह है कि सूर्या ने अपने इस छोटे से करियर में 3 T20 सेंचुरी मारी है। T20 सेंचुरी के मामले में सिर्फ रोहित शर्मा ही उनसे आगे हैं। रोहित शर्मा के नाम 4 T20 आई सेंचुरी है। इसी साल जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में सूर्या ने अपनी तीसरी T20 सेंचुरी सिर्फ 45 गेंदों पर मारी, जो इंडिया की तरफ से किसी भी बल्लेबाज द्वारा दूसरी सबसे तेज T20 आई सेंचुरी है। भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। रोहित शर्मा ने वर्ष 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 गेंदों में शतक जड़ने का कारनामा किया था। इससे पहले पिछले साल जुलाई 2022 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंगम में सूर्या ने अपनी पहली T20 सेंचुरी जड़ी थी। उस मैच में सूर्या के बल्ले से 55 गेंदों पर 117 रनों की पारी निकली थी। वहीं नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्या ने 51 गेंदों पर नाबाद 111 रनों की पारी खेली थी। IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बेमिसाल बैटिंग का नमूना पेश कर चुके सूर्या ने क्रिकेट पंडितों को अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। 2020 से 2023 तक सूर्या ने लगभग हर टूर्नामेंट में अपनी अलग शॉट सिलेक्शन डिस्प्ले की। रिवर्स स्वीप से लेकर रिवर्स स्कूप और स्विच हिट से सूर्या ने दिखाया है कि उन्होंने यहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत की है, और वे अपनी इच्छा से मैदान के किसी भी कोने में शॉट मार सकते हैं। मैदान के चारों ओर शॉट मारने की इसी अद्भुत स्किल से क्रिकेट वर्ल्ड में उनका नाम मिस्टर 360 पड़ा, जो पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान AB de Villiers को दिया गया था। हर किसी की जिंदगी में भटकाव और असफलता आ सकती है, मगर आप इसमें काबू कैसे पाते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं, उससे आपका कैरेक्टर पता चलता है। सूर्या के साथ भी यही हुआ। IPL तो छोड़िए, वो मुंबई की टीम से भी बाहर हो गए थे। उन्हें असफलताओं ने घेर लिया था और उन्हें ये समझ भी नहीं आ रहा था कि वो इससे बाहर निकलने के लिए करे तो क्या करे। इस बीच सूर्या की पत्नी देविशा शेट्टी फ्रंट फुट पर आई और उन्होंने सूर्या को रियलाइज करवाया कि उनका बचपन का सपना तमाम असफलताओं से बड़ा और मजबूत है। सूर्या ने अपना डेली रूटीन दोबारा नए सिरे से तय किया, फिटनेस पर ध्यान दिया, वजन कम किया, पार्टियों, सोशल गैदरिंग और सोशल मीडिया से दूर रहे, क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट यानी T20 क्रिकेट पर ध्यान दिया। ये तमाम बदलाव करने के बाद उनके खेल पर क्या असर पड़ा, वो अब पूरी दुनिया जानती है। सूर्या और देविशा एक दूसरे से वर्ष 2010 में मिले थे। दोनों की दोस्ती कॉलेज में हुई थी। कॉलेज से शुरू हुई इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर जुलाई 2017 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। देविशा एक ट्रेंड डांसर है और बताया जाता है कि वो डांस कोच भी है। सूर्य कुमार यादव को आज दुनिया स्काई के नाम से भी जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्या को इस नाम से पहली बार किसने बुलाया था? सूर्या को स्काई नाम से पहली बार गौतम गंभीर ने बुलाया था। जब सूर्या KKR के लिए खेलते थे, उस वक्त गंभीर सूर्या को स्काई नाम से पुकारते थे। आज विश्व क्रिकेट में सूर्या को ज्यादातर लोग स्काई कहकर ही बुलाते हैं। वर्ल्ड कप में इंडियन बैटिंग लाइनअप को नंबर 6 और 7 पर मजबूती देने वाले सूर्या से काफी उम्मीदें हैं। भारत का पहला 360 डिग्री खिलाड़ी जो ऐसे शॉट से हर किसी को हैरान कर सकता है, जिन्हें कई बल्लेबाज आजमाने की हिम्मत भी नहीं करते। ये सूर्या की अद्वितीय प्रतिभा को दर्शाता है, जिसने उन्हें देखने में एक संपूर्ण मनोरंजक खिलाड़ी बना दिया है। वीरेंद्र सहवाग के बाद से भारत के पास उनके जैसा अधिक साहसी एंटरटेनर नहीं है, जो पलक झपकते ही सामने वाली टीम के प्लान्स को ध्वस्त कर सकता है। सूर्या इस वर्ल्ड कप के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये कहानी यहीं तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।